आप भी अपने बाल ऐसे ही सिल्की एंड स्मूथ कर बैठे बैठे बना सकते हैं, लेकिन वो कैसे? आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त हेयर मास्क की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इसको किस तरह से रेडी करके हम अपने बालों को सिल्की एंड स्मूथ एंड शाइनी बना सकते हैं, आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊँगे। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि हर वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहा करें। इसके लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आपको स्क्रीन पे मेंशन भी हो रहे हैं, फिर भी मैं आपको सारा साथ साथ गाइड भी करूँगी। ये मास्क आपके डैमेज से डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा, आपके बालों को सिल्की एंड स्मूथ बनाएगा। अगर आप ज़्यादा आयरन यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने जब कर्ल्स किए हों या आयरन किया हो तो आप ये मास्क अप्लाई करके अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, फिर आप देखेंगे कि आपके बाल किस तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके बाल डाई करवा करवा कर ख़राब हो चुके हैं, लो लाइट्स करवा करवा कर या हाई लाइट्स करवा कर आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, तो ये मास्क आप लोगों के लिए ही है। इसको किस तरह से यूज़ करना है, आपने इसको वीक में अपने बालों में एक बार लाजमी अप्लाई करना है। जब आप देखें कि आपके बालों की पोजिशन पहले से बेहतर होना शुरू हो गई है तो आप इसको 15 दिन के बाद अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। फिर जब आपके बालों की पोजिशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो आप इसको मंथ में एक बार यूज़ कर सकते हैं। फिर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप इसको जब कहीं आना हो, जब आप अपने बालों को आयरन करें या जब आपके बाल आपको रफ़ लगे तो आप इसको तब यूज़ करें। बहुत ही अच्छा मास्क है ये, हेयर मास्क है ये, प्रोटीन मास्क है, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मास्क है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, और अब मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ कि इसको कैसे बनाया जाए। आप लोगों ने कोई भी कंडीशनर ले लेना है, मेरे पास ये ट्रेस्मी का कंडीशनर था, मैंने ये यूज़ किया है। आपके पास अगर घर में कोई भी कंडीशनर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने भी यही ही कंडीशनर यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने बटर यूज़ किया है, बटर भी आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लू बैंड बटर था वो यूज़ किया है। आपने बटर को जो है वो रूम टेम्परेचर पर रखना है, आपने इसको बिल्कुल ना फ्रीज़ करना है और इतना इसको मेल्ट भी नहीं करना कि ये पानी पानी हो। इसको क्रीमी क्रीमी सा हम लोगों ने मिक्सचर देना है, तो उसके लिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रख देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो भर के आपने इसको जो है वो बटर लेना है। इसकी क्वांटिटी जो है वो मैं आपको मीडियम हेयर के लिए इसकी क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर आपके बाल लेंथी हैं ज़्यादा तो आप इसी क्वांटिटी को जो है वो डबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्पून जो है वो मैंने भर के बटर यूज़ किया है। अब इसमें जो 1 स्पून है, 1 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें कंडीशनर का यूज़ करूँगी। आप लोगों ने भर के जो है वो 1 टेबलस्पून जो है वो उसका कंडीशनर का यूज़ करना है, और इन दोनों चीज़ों को इस तरह से हम लोगों ने मिक्स करना है कि जो बटर के लम्स हैं या जो बटर कहीं से हार्ड है या कहीं से कुछ होगा, ये स्मूथी पेस्ट में आ जाएगा। तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि ये दोनों जो है वो यकजान हो जाएं, और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। फिर इसमें हम बाकी इंग्रीडियंट्स ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि उसको भी किस तरीके से आपने ऐड करना है। क्वांटिटी का आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और इसकी एप्लीकेशन का आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, फिर आप देखिएगा कि आपको इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिक्सिंग करते करते मेरी आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। ये देखें ज़रा, अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क और योगर्ट को। ये देखें ज़रा, इस तरह के फॉर्म में आए, फिर आप लोगों ने भी चीज़ें ऐड करनी है। देखें कितना स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी हुआ है। तो चलें अब इसमें ऐड करते हैं, आप लोगों ने जो मिल्क है वो 3 टेबलस्पून ऐड करना है। आप जो कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, आप रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हैं, आप पका हुआ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इस डिब्बे का भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, आप जो चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 से थोड़ा सा ऊपर लिया है, और जो योगर्ट है 2 टेबलस्पून हम लोगों ने इसमें योगर्ट ऐड करना है। ये योगर्ट ऐड किया, आप इसको हम मिक्स करेंगे, और इसमें जो है वो चंद ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन के ऐड करेंगे। लेमन के आपने 5 से 6 ड्रॉप्स दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे हाफ लेमन स्क्वीज़ किया है, तो आप भी चंद जो ड्रॉप्स हैं इसके ले लें, और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारा मिक्सचर है वो यकजान हो जाए
और कोई भी जो लम्स है या कोई भी जो पेस्ट है वो इसका कहीं से थिक ना रह जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने जब इसको बालों में अप्लाई करना है तो आप लोगों ने अपने बालों को अच्छे से ब्रश कर देना है कि कोई भी जो है वो आपके बाल कहीं से उलझे ना रहें, क्योंकि जहाँ जहाँ से भी आपके बालों में गिरा रह जाएगी वहाँ आप लोगों का ये प्रोटीन मास्क नहीं पहुँचेगा और फिर वहाँ से आपके बाल जो हैं वो स्मूथ नहीं होंगे। तो आप लोगों ने पहले अच्छे से ब्रश करना है, फिर आप लोगों ने इसको नेक से लगाना स्टार्ट करना है, हाफ आप लोगों ने पीछे से पार्टीशन करके। नेक पे जब हम लोगों ने अप्लाई करना है तो आपने सिर्फ हाफ इंच का जो है वो स्किन के पास से गैप देना है और इसको फिर इसको स्मूथी जो है वो अपने बालों पे अप्लाई करना है। और जब आप बैक के बालों में अप्लाई कर लें तो फिर आपने जब फ्रंट पे इसका यूज़ करना है तो आप लोगों ने इसका भी ध्यान रखना है कि फ्रंट से आपके दो दो इंच जो है वो स्किन के पास से रूट्स जो है वो पीछे हों, फिर आप लोगों ने इसको बालों पे अप्लाई करना है। आपको एक चीज़ का मैं बता दूं कि कंडीशनर हो या हेयर मास्क या कुछ भी है वो आप रूट्स पे अप्लाई मत किया करें, क्योंकि ये रूट्स को सॉफ्ट कर देता है और आपके जो बाल हैं वो फिर वहाँ से जो हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग कोशिश किया करें, कंडीशनर अप्लाई कर रहे हैं या आप हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हैं या आप कुछ भी अगर हेयर की ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको स्किन के पास से ज़रा गैप दे के फिर यूज़ किया करें। ये देखें, ये सारा मिक्सचर जो है वो मिक्स हो गया और कितना स्मूथ सा है, ये देखें कोई इसमें लम्स नहीं है और कितना अच्छा मतलब लग रहा है। जब आप इसको बालों में अप्लाई करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके इतने सॉफ्ट बाल। और आप लोगों ने इसको बालों में जो है अप्लाई करके 40 मिनट अपने बालों को छोड़ना है अपने बालों पर। आपने इसको अप्लाई करने के बाद अपने बालों को अच्छी तरह से किसी भी शॉपर बैग से जो है वो आप पैक कर लें, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि आपको पसीना आ रहा है, आपके बालों को जो है वो हवा नहीं लग रही है इस चीज़ का। आपने इसको जितना हीट देंगे आपको उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। आप ये लगा के आप घर के काम काज करें और बाद में आप 40 मिनट से 45 मिनट के बाद आप अपने बालों को वॉश करें अपने शैम्पू से, जिस तरह आप नॉर्मली वॉश करते हैं उस तरह वॉश करें और फिर आप देखें कि आपको कितने अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा लगा है, और कुछ दवाएं आप मेरे लिए इकट्ठी करके रख लें क्योंकि ये इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे बहुत सारी दवाएं देने वाले हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने घरों में खुश और आबाद रखें। तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते जाएँ और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।